अपनी दुख की घड़ी में अक्सर लोग ऊपर वाले से मिन्नत करते हैं, लेकिन कभी कभी भगवान भी कितना निर्दयी हो जाते हैं। जब लोग होली मनाने में मग्न थे, उसी वक्त यानी 17 मार्च 2022 को हाली शहर 20 नंबर वार्ड के बेलूपाड़ा के निवासी शांति देवी का पूरा घर जलकर राख में तब्दील हो गया। सब कुछ तो जल गया, कुछ तो बचा ही नहीं है, कुछ नहीं है, सब जल गया। बचे हम का करें, ये वाक्य कुछ ऐसे ही हुआ जब कई साल पहले इसी आग ने ले लिया था उनके पति मनोज साहू को, और फिर आज उसी आग ने जला डाला शांति देवी के गृहस्थी को। किसी के लिए होली और किसी के लिए सबे बारात, लेकिन हाजी नगर में एक ऐसा वाक्य आपको दिखाने जा रहे हैं जहाँ अभिशाप बन गया कल की रात। आइए आपको हम दिखाते हैं इस हाजी नगर के बेलूपाड़ा में एक ऐसा वाकया जहाँ पे एक घर, और केवल एक घर ही नहीं, जल कर खाक हो गया है पूरा एक आशियाना। जहाँ आप देख पा रहे हैं इस घर के अंदर अभी हम प्रवेश कर रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि एक एक तिनका जोड़ कर जो लोग का पूरा संसार बचाते हैं, लेकिन क्षण भर में पूरी तरह खाक हो जाता है वह सपना। जहां आप देख पा रहे हैं आलमारी से लेकर हर एक सामान इस घर का आप देख रहे हैं जलकर पूरी तरह से खाक हो चुका है, जलकर राख में तब्दील हुआ। इनका पूरा घर, सामान, कपड़े, बर्तन, किताबें, यहाँ तक कि बेटी के शादी के लिए इकट्ठा किए गए पैसे तक को आग ने नहीं बख्शा। इस वक्त हम ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं वो लोग खड़े हैं जो अपना संचय और अपना पूरा आशियाना जो आपको दिखा रहे थे आज उनसे लगभग बिछड़ चुका है, और जानना चाहेंगे क्या है उनका दर्द, क्या नाम है आपका, क्या हुआ था कल आपको? कल हम 7 बजे भैया घर चले गए थे, होली था तो हमसे सुबह चले आएंगे, तो रात को 2 बजे मेरी दरानी फोन करती है कि दीदी आपके घर में आग लग गया है, तो भैया हमको यहाँ पर लेकर आए तो देखे सब कुछ जल गया है। कल रात की घटना है, आप कब आए थे यहाँ? हम 3 बजे के लगभग आए थे। कहाँ आपका, आपका मायके कहाँ है? मेरा जंगल है। क्या क्या गया है आपका, नुकसान क्या क्या हुआ है? सब कुछ तो जल गया, कुछ तो बचा ही नहीं है। लड़की का लड़का देख रहे थे, उसके लिए 1.5 लाख रुपये केस रखे थे, गहना गुड़िया सब जल गया, घर में अलमारी फ्रिज सब कुछ घर में था, सब कुछ जल के खाक हो गया। क्या काम, काम क्या करते थे? हाल ही में कपड़ा साड़ी में माल लोग उठाए थे, उधार मांग कर बेच रहे थे, वो भी सब जल गया। माजन से माल ले गए थे? दिनदारी में पैसा सब मांग के लाए थे, माल कुछ बाकी भी लाए। तो अभी ये जो घटना घटा है, ये जो पूरा आपका घर जो सामान वन सब जल के राख गया, क्या बचा है आपके पास अभी? पुलिस को जानकारी दिया? पुलिस को लाए थे रात को, ठीक होकर चले गए। ये जो घटना घटा, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, आपको लगता क्या है? ये हम नहीं बता सकते हैं। किसी से कोई रंजिश, कोई समस्या किसी के साथ, मदद के लिए कोई आ गया है अभी तक? नहीं, अभी तक कोई नहीं है। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं बोलिए, सब तो जल गया, 3 बच्चे हम क्या करेंगे, कर्जा लेकर माल उठाए थे वो भी सब जल के खाक हो गया। बच्चे पढ़ते हैं आपके? हाँ, बड़ी लड़की 12 में पढ़ती है, 6 में है, 4 में। आपका सब तो जल गया खर्चा अभी आपका? एग्जाम भी दल गया, एडमिट भी चल गया, कुछ भी घर में डॉक्यूमेंट नहीं बचा, कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारा क्या जल गया? इसमें कपड़े बहुत सारे, पढ़ाई करती थी? हाँ, पढ़ाई कर रहे थे। बाबू आगे लग गया, 11 बजे रात तक हम लोग जागे रहे, 12 बजे हम सोने गए, यहाँ पर होली जलता रहा, बस कब आग लगी बाबू हम नहीं जानते हैं, घर में बहुत जोर आग लगा,
हमको बगल वाला लड़का बुलाया, तुम जल्दी उठो तुम्हारे घर में आग लग गया, तुम लोग सब जल के मर जाओगे। किसी से हम लोग कोई दुश्मनी नहीं, नसीब का दुश्मनी। आप पड़ोसी हैं? हाँ सर, इन लोगों का पहनने ओढ़ने का कुछ है ही नहीं, ऐसा हुआ है। आप तो देख रहे हो सब जल गया, और इसके बाद क्या खाएंगे क्या पहनेंगे। इतना सब होने के बाद भी आगे जीना होगा इनको। उम्मीद है कोई ना कोई खड़ा होगा इस परिवार के साथ। अब कुछ दिनों में ही शुरू होने वाली है उच्च माध्यमिक की परीक्षा। वैसे में इस बच्ची का एडमिट तक जल जाना चिंता का विषय बना हुआ है। देखिए क्या होगा आगे। हालांकि इस मामले की सुद्धि लियाहाली शहर के उप प्रधान शुभांकर घोष ने, सुनिए क्या कहा उन्होंने। कुड़ी दुमर वार्डे एक बाड़ी पूरे छाई हो गए, से बेपारे कि कोनो खबर पे लेट राजकुमार साहू तर बाड़ी होटुक खबर पासी दमकल डिपार्टमेंट इनकोरि कर माननीय विधायक सुबोध अधिकारी साथ कथा हो राजूदार साथ कथा हो म्यूनसिपालिटी तरफ थे इंजिनियर फोन कर देवा होना बाड़ीत सफ्ट मेजारमेंट कर देखे नहीं जतटा पार्ब तो हालिशन म्यूनसिपालिटर पक्ष के तरह पासे दाड़ब। माननीय सुबोध अधिकारी निर्देश दिए जान जतटा सम्भव तरह पासे दाड़ा। इसके बाद उम्मीद जाती कि इस परिवार के साथ खड़ा रहेगा ये समाज। ब्यूरो रिपोर्ट 24 घंटा लाइव। নৈহাটির গৌরীপুর চৌমাথা আলোকিত করছে সমস্ত রকম প্রয়োজনীয় সম্ভারের সেরা প্রতিষ্ঠান কেশরী লাইট হাউস। ঘোষপাড়া রোডের উপর অবস্থিত এই কেশরী লাইট হাউসে আপনি একদম সুলভ মূল্যে পেয়ে যাবেন সমস্ত রকম ব্র্যান্ডের মোবাইল ফোন ও অ্যাক্সেসরিজ, হোম এবং কিচেন অ্যাপ্লায়েন্সেস যেমন ইলেকট্রনিক রাইস কুকার, জগ, আয়রন, ওয়াটার পিউরিফাই, জুসার, মিক্সার, গ্যাস ওভেন, চিমনি, বিভিন্ন কোম্পানির এলইডি টিভি, এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিনের সেরা সম্ভার এক ছাদের নিচে। এখানে কেনাকাটা করলে থাকছে অরিজিনাল প্রোডাক্টের গ্যারান্টি, উচিত মূল্য, ডিসকাউন্ট ও অফার, সমস্ত রকম কিস্তির সুবিধে, সর্বোপরি শোরুমে এবং বাড়িতেও গিয়ে সার্ভিসিংয়ের সুবিধে।